गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 5 है और आप लोग का चल रहा था क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और रेडी हो जाइए। पेज नंबर होगा आपका 58। मैं बोर्ड पे भी लिख देती हूँ, पेज नंबर हो जाएगा कितना, 58। पेज नंबर 58, जिसमें आप लोग का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग थर्ड से स्टार्ट करेंगे, जो कि दिया गया है। अच्छा, ये चैप्टर आप लोग का 5 है। चैप्टर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डिस्क्राइब द मेथड टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। टेबल में जो रो और कॉलम होते हैं उसको कैसे हम लोग डिलीट करते हैं, उसका मेथड बताना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अच्छे से, आपके बुक में भी दिया गया है बहुत ही अच्छे से, तो उसको हम लोग आज कर लेते हैं। आइए हम लोग बोर्ड पे करते हैं क्वेश्चन आंसर और आप लोग अटेंडेंस बनाइए तब तक, और नोटबुक को ओपन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर में, डिस्क्राइब द मेथड टू डिलीट रो एंड कॉलम्स इन अ टेबल। ठीक है, चलिए अब आंसर को करते हैं। जैसा क्वेश्चन है उसी प्रकार से आंसर हम लोग देंगे, लिखेंगे द मेथड टू डिलीट रोज, ये आर है, रोज एंड कॉलम्स इन ए टेबल आर। ठीक है, पहला मेथड लिखेंगे हम लोग, वी सिलेक्ट द रो और कॉलम that we want to delete. ठीक है, आप लोग पहला मेथड लिखिए, यानी ये एक प्रकार का स्टेप भी है। अगर स्टेप पूछा जाए तो इसी को आप, ये जो स्टार बनाया गया है इसको आप स्टेप लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट। ये जो स्टार बनाया गया है इसको स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन आप लोग नोट कीजिए, यानी पहला मेथड। अगला मेथड हम लोग इसको इरेज करके करेंगे। ठीक है, thank you.
चलिए अगला मेथड करेंगे, उसको इरेज कर देते हैं। लिखेंगे वी क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द under the table tools tab tables tools tab ठीक है। अगला लिखेंगे we select the delete option we select the delete option in the rows and volumes group चलिए तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका था, सेकंड मेथड लिखिए, यहाँ सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखेंगे हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसमें कहीं पे दिक्कत हो, इससे पहले वाले मेथड में दिक्कत हो तो उसको लेकर आप मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें, एक और इसमें बचा हुआ है। चलिए इरेज करते हैं, अब अगला लाइन लिखेंगे हम लोग। We choose the delete rows or delete column option. Right.
सेलेक्टेड रो. अच्छा ये राइट का आर आप लोग कैपिटल कर दीजिएगा, ठीक है. राइट बटन की बात हो रही है और राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, अब कंप्लीट हो गया. लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, वी चूज द डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स ऑप्शन और राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम्स दैट वी वांट टू डिलीट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा. इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. और क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट अब क्या होगा. ठीक है, ये परफेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन के लिए, तो आप इसे नोट करें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे. आइए अभी से इरेज करके अगला क्वेश्चन पर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन ए टेबल. क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल, यानी टेबल में हम लोग सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ऐड कैसे करेंगे. आइए देखते हैं आंसर को. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
कैलकुलेट द सम इन अ टेबल follow these steps. ठीक है, ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए. आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं पहला लाइन इस प्रकार का लिखवाती हूँ, फिर एग्जैक्ट आंसर को लिखवाती हूँ. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स, या फॉलो द गिवन स्टेप, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट करते हैं हम लोग. We select the layout tab. We select the layout tab. Then step 2. Click on the cell we select the formula button. Formula button in the data group. ठीक है, चलिए तो इतना तक आप लोग नोट कीजिए. और भी स्टेप्स है जो कि हम लोग लिखेंगे, तो फिलहाल आप लोग इतना कीजिए. अगला स्टेप इसको इरेज करके किया जाएगा. यहाँ पे क्या है, ध्यान से पढ़े हैं आप लोग, वी सिलेक्ट द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप. कौन सा ग्रुप? डेटा ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का थोड़ा सा नीचे भाग कट रहा है, तो वहाँ पे ग्रुप है, GROUP ग्रुप है. ठीक है, अगला स्टेप करते हैं हम लोग. Step 3, the formula dialog box appear. Note
पे हम लोग लिखेंगे टाइप द सम इन द फॉर्मूला बॉक्स स्टेप फोर वी क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो ये स्टेप्स है आपका। स्टेप थ्री द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप द सम इन द फॉर्मूला बॉक्स। उस फॉर्मूला बॉक्स में जो है आप सम जो भी क्वेश्चन इक्वेशन होगा वो आप डाल दीजिएगा और लास्ट में ओके कीजिएगा, क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ही था हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल, यानी टेबल में हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग कल करेंगे और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि समय हमारा हो चुका है, और अगले दिन जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। आज के क्वेश्चन में आप लोग को कहीं पे दिक्कत लगा हो, प्रॉब्लम लगा हो, तो आप मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।